हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था हेलो एल्कीन का निर्माण पढ़ रहे थे हम, ठीक है ना। हमने एल्केन से पढ़ा था, देखो इससे पढ़ा था ना हमने एल्केन से हेलो एल्केन पढ़ा था ना, ये पढ़ा था हमने। इसका हेलोजनीकरण करा था हमने, उसके हिसाब से हमने हेलो एल्किन बनाया था। अब हमें क्या करना है, ये सिंगल बॉन्ड से पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्केन से, एल्किन से हेलो एल्किन, ठीक है। टॉपिक समझ रहे आगे को, तो चलो बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। अब सबसे पूरा फोकस हमें यहां पे करना है, ठीक है। पूरा का पूरा फोकस लगाना है हमें यहां पे एल्कीन से। देखो एक तो होता है हमारा ए आई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है ये, और ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से हमने हेलो एल्कीन बना लिया था। अब हम पढ़ना है डबल बॉन्ड से, मतलब एल्कीन से। अब मैं यहां पे बनाता हूं एल्केन, उससे क्या है, उससे फिर हम बनाएंगे हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, बस सिंपल। तो मैं यहां बनाता हूं एल्केन से हेलो एल्केन, कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्त देखो, ये मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके फाइन। अब देखो हमें इसमें क्या लेना है, डबल बॉन्ड। तो पूरा फोकस हमें कहां पे रखना है अपना, इस चीज पे हमें पूरा फोकस रखना है अपना, ओके। जहां हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे हम अपना पूरा फोकस रखेंगे, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें मार्कोनिकोफ नियम, उसके बाद में बताऊंगा एंटी मार्कोनिकोफ या प्रति मार्कोनिकोफ नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह करते हैं मार्कोनिकोफ नियम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मार्कोनिकोफ नियम। ठीक है, तो देखिए हम इसकी मतलब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं, और उसमें क्या होता है, H जो है हमारा वहां जाएगा जहां H ज्यादा होता है। पूरा फोकस इस जगह पे, मार्कर चेंज करता हूं, पूरा फोकस इस जगह पे। HBr से रिएक्शन कराई, मार्कोनिकोफ नियम लगाया, H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। ये जो H है ये वहां जाएगा। अब इस जगह पे देखो H कहां ज्यादा है, देखो यहां CH डबल बॉन्ड CH2, यहां CH है और यहां CH2 है। H कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। तो H कहां जाएगा, जहां पे H ज्यादा है H यहां जाएगा। और Br वहां जाएगा जहां H कम है। ये सिंपल, इतना हमें याद करने लेना है मार्कोनिकोफ नियम में, ठीक है। इतना तो हमें कंफर्म ही पता होना चाहिए मार्कोनिकोफ में, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस इतना करना है। देखो अब बी आर कहां जाएगा, जहां एच कम है, तो एच यहां कम है तो बी आर जाएगा हमारा यहां। अब देखो, अब मैं यहां पे लिखता हूं, हमें पता होना चाहिए कि जैसा एग्जामिनर पूछे तो मैं बताऊंगा, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा आगे उस हिसाब से। तो हमें यहां पता कर देना है, हमें यहां पे लिख देना है कि क्या चीज करा है। तो यहां हम लिख देंगे एम रूल, मतलब वो समझ जाएगा कि इसने मार्कोनिकोफ नियम फॉलो करा है, सिंपल। तो देखो अब रिएक्शन कराएंगे हम, CH3 लिखेंगे सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे देखो, यहां पे कौन सा जोड़ा है हमारा, CH पे जोड़ा है हमारा Br, यहां पे क्या जोड़ा हमारा Br,
यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक एच यहाँ पे आ गया, एच कभी भी पांच बंद नहीं, मतलब कार्बन कभी भी पांच बंद नहीं बनता था, वो चार बंद बनाता है। तो यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड करा और यहाँ पे एक बंद, एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक वहां से आ गया, तो यहाँ जुड़ेगा हमारा क्या एच। तो यहाँ कितना हो जाएगा एच, एच टू आगे लग गया एक एच ऐसे करके। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया हमारा, सही कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे आ गया हमारा H और यहां पे आ गया Vr। अब देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 CH, यहां Vr लग जाएगा और CH3, क्योंकि भाई H उसमें जुड़ रहा है, बात देख है, जैसे भी लिख लो वैसे भी। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी पैसे नाम लिखेंगे तो ऐसे करेंगे, टू ब्रोमो प्रोपीन। याद करो जो मैंने आईपीएस नाम में बताया था, सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी ये हमारे बीआर, बीआर लिया हमने, कितने पे आ रहा है, टू पे, तो टू ब्रोमो लिखा। फिर देखते हैं हम कोई रिंग बन रही है, नहीं बन रही। फिर देखते हैं हम कितने कार्बन है, तीन कार्बन है इसमें, मैच एच प्रोप, टीम के लिए क्या था, प्रोप। देखते हैं फिर बंद कितने बंद इसमें, सिंगल बंद बन रहा है तो ए ना था, प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम हो गया टू ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ये था हमारा मार्कोनिक ऑफ नियम। से मैं दोबारा बताता हूँ, हमें क्या लेना, एल्किल लेना है, CH3 कुछ भी ले लो, उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए बस, कि इनका मतलब यही होता है, कुछ भी ले लो और उसकी रिएक्शन HBr से करवा दो। अब जहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है वहां पे एक गोला कर लो, या फिर उसी जगह पे फोकस कर लो, गोला मत करना एग्जाम में, गोला वाला मत करना, बस फोकस करना उस जगह पे इस वजह से। तो मार्कोनिक ऑफ नियम लगाना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बनाना है कि क्या बनवा रहा है वो। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उस हिसाब से दोनों नियम फॉलो करवाऊंगा। तो ये बताना है हमें मार्गोनिक ऑफ में, एच वहां जाएगा जहां पे एच ज्यादा है, एच वहां जाएगा जहां पे एच ज्यादा है, और बी आर वहां जाएगा जहां पे एच कम है। एच बी आर से रिएक्शन कराओ, एम रूल लिखो और बाकी रिएक्शन ये बन गया। अब देखो अब मैं लेता हूँ सेकेंड CH3 लिया, एल्किन में इसी को ही ले लेता हूँ, CH डबल बोन CH2 की रिएक्शन हमने कराई एच बी आर से। ठीक है, देखो जब हम प्रति मार्कोनिक ऑफ नियम लगाते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में कुछ लेते हैं, यहाँ पे परोक्साइड लेंगे, क्या लेंगे, परोक्साइड, परोक्साइड। अब ये परोक्साइड किसका है, देखो परोक्साइड क्या होता है, परोक्साइड होता है दो ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है, दो ऑक्सीजन डायरेक्टली आपस में जुड़ी हुई हो और उनके जो बंध निकल रहे हैं, जो बच रहे हैं उन पे या तो एने जुड़ रहा हो, सोडियम कुछ भी जुड़ रहा हो, वो उसका ही परोक्साइड बन जाएगा। जैसे मैंने ये एने जोड़ दिया सोडियम, तो ये बन गया सोडियम परोक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारा। तो हमें क्या करना होता है, बस परोक्साइड लेना होता है और यहां पे प्रति मार्कोनिक ऑफ, नियम लिखना है प्रति मार्कोनिक ऑफ। हम प्रति मार्कोनिक ऑफ बताता हूं तुम्हें, ठीक है, इसमें क्या होता है, एच वहां जाएगा जहां एच कम है, बी आर वहां जाएगा जहां एच ज्यादा है, कुछ नहीं बस उसका मार्कोनिक ऑफ का उल्टा कर दो, प्रति मार्कोनिक ऑफ। ठीक है, या इसे एंटी मार्कोनिक ऑफ कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, हमने प्रति मार्कोनिक ऑफ लगाया, एच वहां जाएगा जहां एच कम है, यहां देखो एच वहां जाएगा जहां पे एच कम है, तो एच यहां पे कम है, डबल बॉन्ड पर फोकस करना है बस, अगर कहीं भी कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड के दोनों साइड फोकस करना है और वहां देखना है एच कहाँ ज्यादा है, वहां कम है, उस हिसाब से हमें ये लगा देना है। तो यहाँ पे देखो एच वहां जाएगा जहाँ एच कम है, ठीक है, यहाँ चला गया, और बी आर वहां जाएगा जहाँ एच ज्यादा है, तो बी आर यहाँ आ गया, रिएक्शन करवा दो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH पे क्या जाएगा हमारा, इस जगह पे लगा है हमारा एच जाके, तो यहाँ पे लग जाएगा एच सिंगल बॉन्ड। अब इस पे H2 पे CH2 पे लगाए हमारा Br जाके, तो सिंपल यहां Br जोड़ दो। ठीक है, ओके। अब देखो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन। अब तुम देख रहे हो ना ये क्या बन गया हमारा,
हेलोजन लग गया। देखो यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखा हमने यहाँ हेलोजन लग गया, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। देखो ये तो हमारा केन है ही, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले, हेलोजन लग गया, हेलो एल्केन बन गया, मतलब एल्केन से हेलो एल्केन यहाँ बन गया। अब दूसरे तरीका से हमने ऐसा बना दिया, मतलब बस हुआ क्या है कि जो बी आर है और एच वो आगे पीछे करने के लिए हमने ऐसा बनाया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यह क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, ठीक है, तो वहां आएगा हमारा परिवर्तित करना है हमें। परिवर्तित करें, इसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जेंस। तो सबसे पहला लेता हूं मैं यहां पे ब्यूटीन से टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये करवा रहा है हमें परिवर्तन। ठीक है, ब्यूटीन से ब्यूटीन क्या होता है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं हमें ब्यूटीन से टू ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, यहां पे देखो अब ब्यूटीन में कितने होते हैं, चार कार्बन होते हैं। सबसे पहले हमने चार कार्बन बनाए यहां पे ब्यूट, और जो सिंगल बॉन्ड मतलब जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो एक के बाद बन रहा है, तो सबसे पहले सबकी जगह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करते हैं, और जहां पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है मतलब यहाँ पे बन रहा है हमारा डबल बॉन्ड एक कार्बन के बाद, तो एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड और सारी जोड़ दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ दो है तो दो और बनेंगे, या तीन बन रहे हैं एक और कार्बन एच आएगा मतलब हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ दो बन रहे हैं दो और आएंगे, या एक बन रहा है तीन और आएंगे। ये आ गया हमारा ब्यूटीन, ब्यूटीन आ गया। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें, HBr से, और देखना है कि हमें बनवा क्या रहा है, मतलब टू ब्रोमो बनवा रहा है, टू ब्रोमो। अब देखो सारा फोकस करना है डबल बॉन्ड वाले पे, यहां करो पूरा फोकस। ठीक है, अब जब पूरा फोकस तुम यहां करोगे तो देखना है कि कौन सी चीज कहां जुड़वा रहा है, टू ब्रोमो कह रहा है मतलब यहां पे आ रहा है टू हमारा। अब देखना है कि एच कहां लग रहा है, एच वहां जा रहा है जहां एच ज्यादा है, एच वहां जा रहा है जहां पे एच ज्यादा है, और बी आर वहां जा रहा है जहां एच कम है। तो सिंपल कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करने हुए कह रहा है, तो हमें यहां मार्कोनिकॉफ नियम लिखना है, मतलब डायरेक्टली नियम एम रूल हो गया। यहां हमने एम रूल लिखा, रिएक्शन कराई, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH इस पर जुड़ गया क्या हमारा Br, यहां जोड़ दिया हमने Br। अब सिंगल बॉन्ड आगे क्या है हमारा CH3 हो जाएगा, मतलब एक CH2 पे जुड़ गया हमारा एक एच और, सिंपल। अब देखो इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 इसका क्या आ रहा है, टू ब्रोमो ब्यूटेन, ये आ रहा है टू ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि H और Br जो हमने करवाई थी, HBr की रिएक्शन इसके साथ जो एल्कीन के साथ जो करवाई थी हमने ब्यूटेन के साथ, मतलब उसकी रिएक्शन HBr से करवाई, और कह रहा है कि परिवर्तित करना ये करना है टू ब्रोमो ब्यूटेन। टू ब्रोमो ब्यूटेन तभी बनेगा तब हम एम रूल फॉलो करेंगे, ब्यूटेन मतलब ये कह रहा है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने के लिए करते हैं मार्कोनिकॉफ के नियम का फॉलो, मतलब कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाने के लिए। ये हो गया हमारा, इतना समझ में आया था। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूं, ये कह रहा है ब्यूटेन से वन ब्रोमो ब्यूटेन मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना, और बीआर को इस जगह पे जोड़ना है कि वो वन पे आए। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम चार कार्बन बनाएंगे, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, कितने बंद हो गए हमारे दो, कितने और बनाए दो, तीन बंद हो गए एक और बनाएगा, दो हो गए दो और बनाएगा, एक हो गए तीन और बनाएगा। इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवानी है, और क्या लेना है
अब देखो उस हिसाब से क्या करना है हमें, ऊपर कितना लगा था, सॉरी मैंने रफ कर दिया, उससे पहले जब हमने करा था कि ब्यूटेन से टू ब्रोमो ब्यूटेन, उसमें क्या होता है एब रूल मार्कोनिक ऑफ नियम फॉलो हुआ था। अब इसमें जब करेंगे हम इसको, जब वन ब्रोमो करेंगे मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाएंगे और बी आर को इस तरह जोड़ेंगे कि वो वन वन पे है, तो देखो इसमें क्या होगा प्रति मार्कोनिक ऑफ, मतलब हमें पहले तो परोक्साइड की उपस्थिति में करवाना है, परोक्साइड लेना है और दूसरा हमें यहां लिखना है प्रति मार्कोनिक ऑफ, ये लिखना है। अब हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है, अब हमें ये रिएक्शन करवानी है। अब देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम क्या कहता है, H वहां जाएगा जहां H कम है, तो देखो H सारा फोकस डबल बॉन्ड पे, H वहां जाएगा जहां H कम है, Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे क्या जोड़ रहा है, अब यहां पे क्या गया है, जहां पे H कम है वहां पे गया है H, तो इस हिसाब से हमें समझ लेना है, मतलब इमेजिंग करके और उस हिसाब से समझना है कि हमें नियम का भी पता होना चाहिए, मार्कोनिक ऑफ नियम और एंटी मार्कोनिक ऑफ, केवल मार्कोनिक ऑफ नियम याद कर लो उसका उल्टा कर दो प्रति मार्कोनिक ऑफ, या प्रति मार्कोनिक ऑफ नियम समझ लो उसका उल्टा कर दो मार्कोनिक ऑफ नियम, बात ये है। इतना हो गया, एच हो गया जहां एच कम है और बी आर हो जाएगा जहां एच ज्यादा है, सी एच टू लग जाएगा हमारा बी आर। अब इसका नाम लिख दो, इसका नाम वही आएगा जो ये बनवा रहा है, टू ब्रोमो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड से हमारे डबल बॉन्ड की तरफ। ओके, ये तो हमारा आज का टॉपिक एल्किन से हेलो एल्किन का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे आगे, जब अगली क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे हम एल्काइन से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से एल्काइन से हेलो एल्किन का निर्माण, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।